लोकतंत्र में देखिए संवाद तो होना ही चाहिए। अब चूंकि वो पार्लियामेंट जाते नहीं है, सवाल पूछते नहीं है, वहां उनकी प्रेजेंस जीरो रहती है। हमें तो अमेठी में इतने दिन हो गए हैं, वो 2 दिवसीय पॉलिटिकल पिकनिक पर यहाँ आए हैं, तो मेरा मन है कि इस पॉलिटिकल पिकनिक में थोड़ा गंभीर संवाद भी हो। तो मैंने तो पहले भी सदा ये कहा है कि यदि कोई स्थान समय तिथि वो बता दें, अमेठी की जनता के साथ एक बार बैठ लें, हम भी बैठ लें, हम उनसे एक संवाद कर लें, कम से कम वो इतना ही बता दें कि जो यहाँ ब्लॉक है उन ब्लॉकों के नाम क्या है, अपने कांग्रेस के जो उन्होंने यहाँ लोग छोड़ रखे हैं उनके अलावा सामान्य जनता के 10 नाम ही बता दें, वो यहाँ के 5 गांवों के नाम ही बता दें। तो 10 वर्ष से जो रिश्तेदारी है एक तरफा, जिसमें अमेठी का इतना शोषण हुआ है, अमेठी छली हुई महसूस कर रही है, ऐसे में उनसे संवाद आवश्यक है। देश की विभिन्न मुद्दों पर, अमेठी के मुद्दों पर, राज्य के मुद्दों पर, राष्ट्रीय मुद्दों पर उनकी राय क्या है, वो एक बार बिना उनके सत्संगियों के जिनके साथ वो आते हैं बहुधा प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में, दोनों तरफ से 3-3, 4-4 मंत्री जिनको गार्ड करके लाते हैं, तो इतने बड़े नेता से जो इतने साल से काम कर रहा है, एक सामान्य आम आदमी भी सवाल पूछ सके, ऐसी कोई व्यवस्था वो बनाए तो लोकतंत्र से मजबूत होगा। लोकतंत्र उनके स्थानीय जो चेले हैं उनके अंडे फेंकने और झंडे फेंकने और काले झंडे दिखाने से मजबूत नहीं होगा, लोकतंत्र संवाद से मजबूत होगा।